वही वायुसेना ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को 200 नए अस्त्र मार्क एक मिसाइल बनाने का प्रोडक्शन क्लियरेंस दे दिया है। 110 किलोमीटर की इस एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल वायुसेना लंबे समय से कर रही है। इसे सुखोई 30 और तेजस फाइटर जेट के जरिए फायर किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने 2022 से 2023 में इस 2900 करोड़ के प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया था। वहीं वायुसेना के डिप्टी चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने हाल ही में हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की डेवलपमेंट लैब का दौरा किया था। इसी दौरान इन मिसाइल का प्रोडक्शन क्लियरेंस दिया गया है।